नायब शहजाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं मियाँ वाली में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मियाँ वाली का दौरा करना है और आपको बताते चलें कि खसूसी पैकेज का ऐलान किया है मियाँ वाली के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। आपको ये भी बताते चलें MM रोड उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ने सिटी पार्क का भी इफ्तिताह करना है और उसके बाद जो नमल यूनिवर्सिटी है उसके जंगल का दौरा भी करना है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अभी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जलसा है, जलसे में जाएँगे और देखेंगे आया कि इस महंगाई के मौसम में भी आवाम खुश है या नहीं खुश। उसके बाद लोगों की रैलियों की शक्ल में तो यहाँ आते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जलसे में आए कारकुनान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पैकेज का ऐलान किया आया कि वो उससे खुश हैं या नहीं खुश। इमरान खान साहब ने जो पैकेज दिया है मियाँ वाली को पिछले कई सालों से महरूम रखा गया है क्योंकि हम अपोजिशन में थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से और इस आवाम की मोहब्बत से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं और इमरान खान जितने तरक्याती काम इन 3 सालों में हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने कभी नहीं कामे। और आज इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान मेगा प्रोजेक्ट देंगे मियाँ वाली को, जिसमें इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज, जब 500 बेड का अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा तो मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे, उसके साथ बिलकसर टू मियाँ वाली टू मुजफ़्फ़रगढ़ रोड का भी तोहफा देंगे और उसके साथ साथ और भी बहुत से प्रोजेक्ट का वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह ताला 2023 तक आपको एक नया मियाँ वाली नज़र आएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि बिलकसर उसके साथ साथ MM और जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसका भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। क्या कहते हैं जो पैकेज का ऐलान किया गया PM की जानिब से, क्या वो हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इमरान खान की हुकूमत से क्योंकि हमारी तहसील, मैं तहसील ईसा खैल से हूँ तो हमारी बहुत पसमानकियाँ थी। अभी हमें कॉलेज मिला है, गर्ल कॉल भी मिला है, उसके बाद अभी बॉयज़ कॉल भी मिल गया है। हम तो इंशाल्लाह मुतमिन हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं कि जो पैकेज का ऐलान किया गया PM के जानिब से क्या उससे वो मुतमिन है या नहीं मुतमिन। क्या कहते हैं जो PM ने आज पैकेज का ऐलान किया है मियाँ वाली के लिए स्पेशली, जिसमें उन्होंने बिलकसर जो रोड है उसके साथ MM रोड, उसके बारे में क्या कहते हैं आप, मुतमिन हैं उससे? बिल्कुल जनाब, मैं मुतमिन हूँ। उन्होंने जो भी ऐलानात किए हैं, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट साबिक शुमाली अपना तहरीक इंसाफ लहर विंग का, तो मेरा तो पुराने 25 साल से खान साहब के साथ चल रहा हूँ और इस वक्त मैं जो है ना एक अहदे पे भी हूँ, लेकिन उन्होंने जो भी बात की है वो हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात की है और जब भी कोई बात की है यहाँ मियाँ वाली के लिए तो मियाँ वाली के लिए उन्होंने हर जगह पर आप जाके विज़िट करें, जहाँ पर कभी कोई कच्ची सड़क भी नहीं थी वहाँ पर जनाब इन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर गर्ल्स कॉलेज और नम्बल यूनिवर्सिटी को भी इंक्रीज़ कराया है, तो इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता है कि इमरान खान जो बात करते हैं वो होगी नहीं। वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने जो कहा है वो इंशाल्लाह हुआ है और आप देखेंगे आज के इस जलसे को कि मियाँ वाली के यहाँ पे बुज़ुर्ग नौजवान और ख़ासकर हमारे इलाका थाना चिकड़ाला से एक बहुत बड़ी रैली आई है जिसमें मैं ख़ुद शामिल था। मैं उसकी तारिक रिक्खी साहब खान जमान हमारे वहाँ एडवोकेट भी हैं और वो उसके हमारे PTI के थाना चिकड़ाला से रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक बहुत बड़ी रैली है और आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा जलसा होगा। देखा गया है कि महंगाई एक बहुत बड़ा महंगाई का भी तूफान है, इसके बावजूद आज मियाँ वाली की आवाम ने PM को इतना सपोर्ट किया है कि इससे कबल कभी भी देखा नहीं गया। इस बारे में क्या कहते हैं कि इतना प्यार PM से क्यों किया जाता है मियाँ वाली के लोगों का, क्योंकि खुसूसी लगाव है? उसकी ये वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम, मियाँ वाली की आवाम तो है ही है, पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात पे यकीन रखती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कहता है सच कहता है। ये जो महंगाई का भूचाल यहाँ पर आया है वो बैनुल अक्वामी तौर पे आपके सामने है, कोरोना की वबाई और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई कि जिनकी वजह से ये महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, वो हम भी मानते हैं और ख़ान साहब ने भी हमेशा कहा है, हमारे वज़रा भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानते कि ये महंगाई जो है प्राइम मिनिस्टर की कमज़ोरी है या उनकी वजह से ये हो रही है। लोग यकीन रखते हैं इस बात पर कि मुश्किल हालात के बाद आसानियाँ आती हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दिन ब दिन ये चीज़ आएगी। हमारे रिज़र्व जो हैं
वो तारीखी पड़े हुई हैं खरबों में, आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि खान साहब का एक विज़न है कि मैंने इस पैसे को जो कौम की अमानत है, जो कौम के टैक्स से जहाँ पे हमारे पास ये रिज़र्व हैं, वो हम कभी भी सिर्फ मसनूई महंगाई को रोकने के लिए या डॉलर को मसनूई रोकने के लिए मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है पाकिस्तान को आगे बढ़ाना। हमारे साथ एक और शारिया से पूछते हैं कि आया कि मियाँ वाली को जो पैकेज दिया गया है उससे वो मुतमिन? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हम मुतमईन हैं, और मैं एक फॉर्नर पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदीया से इस टाइम छुट्टी पे हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारा जो खान है इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बदल के रहेगा। ये नाम नेहाद जो है नून लीग पीपल पार्टी, ये सब इस टाइम तक हम अपने खान का भरपूर साथ देंगे, हमारे इलाके की शान है वो। और फॉर्नर का मुझे पूरा यकीन है कि हम फॉर्नर में रहता हूँ तकरीबन 90 लाख वोट है, तो 70 लाख तो इमरान खान साहब का है ही है। जितनी इज्जत हमारे खान ने बनाई है किसी लीडर ने नहीं बनाई, मैं आज बरमला ये कहता हूँ, और इंशाल्लाह खान हमारा मुल्क को बदलने में कामयाब होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को तब्दील करेंगे और तब्दीली की तरफ ही लेके जाएंगे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आज पीएम ने एक पैकेज का ऐलान किया है जिसमें बलकसर रोड, एमएम रोड, उसके साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सिटी पार्क, क्या कहते हैं इस हवाले से आप मुतमिन? बिल्कुल मुतमिन है, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। ये जो पैकेज इमरान खान ने दिया है बहुत ज़बरदस्त है। बखर, डेरस मईल खान, मुल्तान, लिया, ये लोग जो कराची से आते हैं इनके लिए सहूलत है, वन वे रोड बन रहा है। इंशाल्लाह हम इमरान खान पे पूरा एतमाद करते हैं। इंशाल्लाह मुश्किल वक्त हर कौम पे आता है, मुश्किल के बाद आसानी होती है। इंशाल्लाह मेरे मालिक को मंजूर हुआ तो अपने मिशन पे इमरान खान कामयाब होगा। हम इमरान खान के साथ हैं और कामयाब अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नायब सदर, साबिक नायब सदर पाई खेल किसे, इनसे पूछते हैं कि क्या आप जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली के लिए पैकेज का ऐलान किया, क्या उससे आप मुतमिन हैं? मियाँ वाली पैकेज के लिए तो हम तमाम चीज़ें जो भी ऐलानात किए हैं इमरान खान, हम उस पर मुतमिन हैं। लेकिन हमारी जो मकामी क़यादत है, मकामी क़यादत पर कभी भी हम मुतमिन नहीं हैं। मैं पीटीआई का ज़िले का सबका नायब सदर हूँ, लेकिन जो हालात जो इस वक्त तो पीटीआई की क़्यादत मकामी क़्यादत के आ रहे हैं, जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये राहजन हैं सारे। हकीकत बात है कि मेरे पास अभी जो है ना, ये एक यासर नामी शख्स खड़ा है, वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है, और ये आया हुआ है कि शफाउल्ला खान हम जो है ना ज़िला मियाँवाली को मॉडल ज़िला बनाना चाहते हैं, और अपने अखराज से, और उसको मुलाकात करने के लिए जो इन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा। ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने? ये वर्कर अपनी मर्जी से निकले हुए हैं, शायद कोई समझे कि भाई ये मैं लेकर आ रहा हूँ, ये कोई नहीं, हम अपनी मर्जी से आए। हकीकत ये है कि हम जो है ना एक एमपीए और एमएनए को भी तस्लीम नहीं करते यहाँ पे, और हमारा मिशन है इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन ये लोग इमरान खान को बदनाम करने की चाहत रखते हैं और कर रहे हैं इतने हालात, और मियांवाली के लिए इतनी ये बदनामी कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा आता है मियांवाली में और ज़बरदस्ती जो है ना वो करना चाहता है, अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और उसको जो है ना मिलने नहीं देते। ये क्या बात है? मैं तो सोचता हूँ कि आपके ज़रिए अगर ये बात इमरान खान तक पहुँच गई तो हकीकत बात है कि वो मुझे ज़ाती तौर पर जानता है और वो इस चीज़ का एक्शन लेगा। और मुझे यकीन है कि आप ये मेरी बात जो है ना बार बार मीडिया पर ला कर जो है ना उस तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, जैसे हद तक अगर पैकेज से हम लोग मुतमईन ना होते तो आज ये ईद का समान ना होता और लोग जो है ना सड़कों पर इस तरह ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनना है तो मियां वाली को जो है ना ये अदर जो मुस्लिम लीग नून थी खास तौर पे उन्होंने विक्टमाइज़ रखा है,
खान साहब के आते ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हुए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, रोड सेक्टर में, ख़ास तौर पे पानी की हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से उन्होंने हमें तोहफे में दिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल साथ ही है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं तो वो भी बन रहा है। ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो खान साहब ने दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है ना हम बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे कह रहे थे कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो पैकेज का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, क्या कहते हैं उसके बारे में कि इलेक्शन भी करीब हैं, इलेक्शन को देखते हुए पैकेज का ऐलान किया है या कि उनकी मोहब्बत है मियाँ वाली के आवाम से? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को मियाँ वाली में जीतने के लिए पैकेज की ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत करते हैं और इमरान खान कुछ भी ना करे तो यहाँ की सीटें वो लूज़ नहीं कर सकता। पैकेज उसका इसलिए है कि ये उसका इस यहाँ की आवाम का हक है और उन्होंने उनका हक अदा किया है। और जो 70 साल से मसाइल यहाँ थे ईसा खैल में, इधर मियाँ वाली में और दीगर जगहों पे, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हल हुए हैं और जिससे अवाम उन्नास बहुत खुश है और तरक्की के जीने तय कर रहा है ये ज़िला। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका ये कहना है कि इस पैकेज से हम बिल्कुल मुतमिन हैं और खुश भी हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं पीएम के जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जलसा है इसमें आए हैं और ये देख के बताएं कि जो पैकेज का ऐलान किया गया है जिसमें बलकसर रोड, MM रोड, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, उसके साथ साथ जो सिटी पार्क है उसकी भी इफ्तिताह किया जा रहा है, क्या कहते हैं इस तमाम पैकेज का जो ऐलान किया गया पीएम की जानिब से, क्या आप इससे मुतमिन हैं? बिल्कुल हम मुतमिन हैं इससे और हमारी सिर्फ ये एक ही लफाज ही काफ़ी है कि इमरान खान का जो ताल्लुक है वो मियाँ वाली से है। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे मियाँ वाली में लग रहे हैं, तो पूरा ज़िला जो है आज एक समंदर की तरह उमड़ करके यहाँ पे जलसा गाह में मौजूद आ रहा है। रास्तों में जगह कहीं पर जगह ही नहीं दिया हमें पाँव धरने के लिए। इंशाल्लाह जिस तरह मियाँ वाली में 2018 में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी, ताहयात मियाँ वाली इमरान खान का है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मियाँ वाली ताहयात पीएम इमरान खान का है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान ही यहाँ से जीतते रहेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद हैं शहरी, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं पैकेज के बारे में, मुतमिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप जहाँ तशरीफ लाए मियाँ वाली में आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद पैकेज को छोड़ो, मियाँ वाली को फ़ख्र है इमरान खान का वर्कर होना। अल्लाह पाक ने हमें ऐसा भाई दिया है कि जो उसकी तारीफ़ें हम नहीं कर सकते और हम इमरान खान का सबसे बड़ा तोहफा जनूबी पंजाब के लिए जो है वो रोड दे रहे हैं, MM रोड, उसके बाद ये मियाँ वाली पिंडी रोड दे रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या पैकेज हो सकता है? तो हमें पैकेज की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान की ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं और उसको अगले हम मेहनत कर रहे हैं कि अगली हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अगली आने वाली हुकूमत, अगला 5 साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे और पाकिस्तान तरीक़-ए-इंसाफ ही जीतेगी। इमरान खान ने पैकेज के ऐलान किया, उससे आप मुतमिन हैं? हाँ इंशाल्लाह मुतमिन है, बहुत खूबसूरत इनाम के हमारे लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली के लिए, और बहुत सड़कों का ऐलान भी किया है और इंशाल्लाह हमने इमरान खान को भी देखा है, बहुत खुश हो गया है। क्या कहते हैं पीएम ने आज पैकेज का ऐलान किया, उससे आप मुतमिन हैं? जी जी 100% हम मुतमिन हैं बिल्कुल। बलकसर रोड, MM रोड, जो उन्होंने तरक्याती पैकेज, जितने भी उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है, क्या समझते हैं वज़ीर आला भी यहाँ मौजूद थे? इंशाल्लाह जो माली मुश्किलात हैं वो सब आवाम के साथ हैं, सामने हैं और पूरी दुनिया में हैं। इंशाल्लाह ऐसा जैसा कि PM साहब ने कहा है कि 5 साल में हम सारे टारगेट पूरे कर लेंगे और हमें वज़ीर आज़म पे एतमाद है, इमरान खान पे एतमाद है, उनकी क़यादत पे बिल्कुल 100% हमें एतमाद है। क्या समझते हैं जो वादे रह गए हैं उनके, उस पर वो पूरा उतरेंगे या नहीं? इंशाल्लाह उतरेंगे, उनको कहा है ना, इंशाल्लाह उतरेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह उतरेंगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। क्यों नहीं पूरे उतरेंगे,
वादा किया है, पठानों का वादा है, खान का वादा है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम इमरान खान के साथ हैं बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम फिर भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जो पीएम ने पैकेजेस का ऐलान किया है उसके बारे में। असल में मैं खुद करक से आया हूँ, लेकिन जब सपोर्टर होता है तो वो हर जगह पहुँच सकता है। मैं करक से आया हूँ तो ये मेवाली की आवाम के लिए बहुत खुशखबरी है कि उन्होंने ज़बरदस्त पैकेज दिए। मुश्किल वक्त होता है, थोड़ी महंगाई है, ठीक हो गया, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी गुजरा, मकसद मुश्किल वक्त आता रहता है इंसान के ऊपर, तो घबराना नहीं है। खान साहब का भी यही है कि ये पूरी दुनिया में मंगाई है तो कुछ दिन के लिए है, इंशाल्लाह ये सही हो जाए। पीएम ने मियां वाली के लिए जो पैकेज दिया उससे क्या मुतमिन है? जलसा इंतहाई कामयाब जलसा था और पहले जलसों की नस्बत कोई भी अवाम में जोश व खरोश में किसी सूरत भी कमी नहीं थी, और मियाँ वाली की अवाम पहले भी अपने लीडर, अपने कायद, अपने मियाँ वाली के बेटे से मोहब्बत का इजहार करती रही है, और आज भी मियाँ वाली की अवाम ने जैसे जिस जलसे में शिरकत की है उस अपनी शिरकत से उन्होंने साबित किया है कि हम कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ, और आइंदा भी अपने कायद इमरान खान के साथ होंगे। बड़ी खुशी हुई है इमरान खान मियाँ वाली में आया है, बड़ा पैकेज दे के जा रहा है, रोड के लिए बलकसर से मुजफ्फरगढ़ के लिए रोड बन रहा है और सेहत कार्ड का पैकेज भी दे रहा है, बड़ी खुशी हुई, खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली को तरक्याती पैकेज दिया है उससे मुतमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं यार, वो अपने इलाके का है, इसी इलाके का, इसी का है, उसके बारे में अच्छा सोचे कह रहा। देखो ना, नवाज शरीफ लोगों ने अपने इलाके को कितना शानदार बनाया है, तो वो भी अपने इलाके की इज्जत तो रखेगा, क्यों नहीं बनाएगा। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, हम लोग हैं जज्बाती बन जाते हैं, यार क्या किया है, क्या किया है। एक छोटा सा घर हो ना, उसमें तीन अफराद हों तो अपने घर को बनाने के लिए भी टाइम लगता है, तो ये तो इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा मुल्क है, संभालने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि दो साल में आके बिगाड़ते हुए उनको 35 साल लगे और बनाने में वो 2 साल में बना देगा यार। क्या कहते हैं आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पैकेज का ऐलान किया है उससे मुतमिन? भाई जान, हम तो बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं, क्योंकि मियाँ वाली की अगर वहाँ मुतमिन हो नहीं होगी तो फिर और कौन होगा। मियाँ वाली की जान है इमरान खान, इमरान खान हमारे दिल की आवाज़ हैं, और मियाँ वाली की तमाम आवाम उसके साथ है, इस इलेक्शन में भी साथ थी और एंड इलेक्शन में भी 5 साल इंशाल्लाह उसके साथ होगी। बाकी बात ये रही कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, काम उन्होंने करके दिखाए हैं। उस वक्त जब वो अक्वामे मुत्तहिदा में उसने कलमा तैयबा पढ़ के ये सुना दिया पूरी दुनिया को, तो फिर पाकिस्तानी अवाम को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे वाहिद लीडर हैं जो हमारा काम करेंगे, बाकी करना ना करना अल्लाह का काम है, लेकिन हम इसे बड़े मुतमिन हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसे वोट देंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि हमारी ऑडियंस कारकुनान का यही कहना है कि वज़ीर आज़म ने जो पैकेज का ऐलान किया उससे मुकम्मल मुतमिन है, और किसी और जगह किसी और मुकाम पर दोबारा हाजिर हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।